दिमाग मानते हैं, और उस मस्तिष्क की सबसे बड़ी खोज या आविष्कार है शब्द। इसकी ताकत इतनी अधिक है कि यह पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा सकती है। यद्यपि यह मस्तिष्क की खोज नहीं है, क्योंकि इंसान जब उत्पन्न हुआ तो उसके मस्तिष्क ने इस शब्द को खोजा, लेकिन शब्द पहले से ब्रह्मांड में मौजूद है और शब्द एक शक्ति के रूप में ब्रह्मांड में हमेशा से चला आ रहा है। इसका ही अंग मंत्र, नाद, ध्वनि है, जिसकी आवृत्तियां अपार ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो सृजन भी कर सकती है तो विनाश भी कर सकती है। छोटा सा उदाहरण, जीवन में रिश्ते बनाने में लाखों शब्द खर्च होते हैं, पर रिश्ते तोड़ने को केवल एक शब्द काफी होता है। इसी तरह सृजन में, यानी कि बनाने में, निर्माण करने में अपार ऊर्जा लगती है, किंतु एक छोटी सी चूक अथवा केवल एक गलती सारे निर्माण को, सारे सृजन को नष्ट भी कर देती है और नया विनाश भी कर देती है। केवल एक मंत्र, केवल एक वाक्य, केवल एक शब्द जीवन की दशा, जीवन की दिशा बदल देता है, चाहे वह जीवन का आधार वाक्य हो या आदर्श वाक्य हो या गुरु मंत्र या कोई दैवीय मंत्र हो। इनका एक वर्ष तक चिंतन, मनन, गुरु स्मरण या जप जीवन बदल कर रख देता है, और यह अनुभूत सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है। आधार वाक्य अथवा आदर्श वाक्य जब अवचेतन में स्थायी जगह बना लेता है, तो अवचेतन के जन्म जन्मांतर का ज्ञान उस शब्द के आधार को पूरा करने में अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगा देता है, उस शब्द के अर्थ को पूरा करने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देता है। भले चेतन मन को आभास न हो, किंतु परिस्थितियां कुछ इस तरह निर्मित होने लगती है, जानकारी स्वयं सामने आने लगती है कि व्यक्ति के लिए वह आधार वाक्य फलीभूत होने लगता है। व्यक्ति को भान भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता, और व्यक्ति खुद ऐसी दिशा में जाने अनजाने कार्य करता सोचता है कि वह वाक्य उसके लिए सफल होने लगता है। मंत्र की पद्धति कुछ अलग होती है, भिन्न होती है। सतत वर्ष भर मंत्र जब उसका मनन, चिंतन, गुण ज्ञान, उत्पन्न नाद, आवृत्ति, ऊर्जा, व्यक्ति के उस शक्ति से संबंधित शारीरिक चक्र को अधिक क्रियाशील कर देता है, जिससे शरीर की रासायनिक भौतिक क्रिया प्रभामंडल सूक्ष्म शरीर में बदलाव आता है, फलतः सोच कार्यशीलता क्षमता बदल जाती है। ग्रह प्रभावों, पृथ्वी की सतह की ऊर्जा के उस व्यक्ति के लिए प्रभाव में परिवर्तन आ जाता है और वातावरण तदनुरूप परिवर्तित होता है। समान प्रकृति में विकिरण ऊर्जा से व्यक्ति का संबंध बनता है, और वह ऊर्जा आकर्षित हो व्यक्ति से जुड़ती है, जिससे सूक्ष्म स्तर पर बड़े परिवर्तन होने से व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। केवल एक बात, एक शब्द, एक मंत्र इस तरह पूरा जीवन बदल देता है, जिसकी पूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है। बस आवश्यकता होती है कि उस वाक्य को, शब्द को, मंत्र को बदला जाए, और लगातार उसका चिंतन, मनन, स्मरण, जप होता रहे। परिवर्तन देखकर खुद व्यक्ति के साथ ही सभी संबंधित लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि ओम की ध्वनि की आवृत्ति सी यंत्र सी बनती है, आकृति सी यंत्र सी बनती है। ओम का सही से उच्चारण कंक्रीट की दीवार तोड़ देता है, ऐसा ही सभी मंत्रों के साथ होता है। इसी तरह शब्द की अपनी ऊर्जा होती है, जैसे हम बातचीत करते हैं, लगभग उसी तरह के मंत्र सावन मंत्र में होते हैं शब्द, और यह मंत्र तुरंत प्रभाव दिखाते हैं। यही हाल हमारे द्वारा बोले गए शब्दों में होता है। इनसे उत्पन्न ऊर्जा या शक्ति संबंधित लोगों को प्रभावित करती है, आपको ज्ञात हो या न हो। किंतु आज आप एक शब्द भी बोलते हैं तो वह नष्ट नहीं होता, अब इस अंतरिक्ष में चला जाता है यथावत, उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं होती, और लाखों वर्ष बाद भी उसे सुना जा सकता है उतनी ही शक्ति से।
चुके हैं कि वह महापुरुषों की बोले शब्द पकड़ रहे हैं अंतरिक्ष से। आप अंतरिक्ष में जाए तो वहां पृथ्वी की भी एक ध्वनि सुनाई देती है यंत्रों से। यह ध्वनि कौन सी होती है किंतु इसके साथ आपकी और पृथ्वी पर उत्पन्न हर व्यक्ति की ध्वनि भी जुड़ी होती है। जब ध्वनि की जाती है तो वह जब टकराती है कान से तभी सुनाई देती है, अर्थात उसमें शक्ति होती है कि कान में कंपन कर सके। आपने देखा सुना होगा विस्फोट की ध्वनि से दीवारें टूट जाती है और शीशे टूट जाते हैं। इसी तरह हर ध्वनि में कुछ न कुछ ऊर्जा होती है और उत्पन्न ऊर्जा नष्ट नहीं होती। इसका स्वरूप जरूर भले बदल जाए, आप गलत शब्द बोलते हैं तो वह भी ब्रह्मांड में जाता है। उत्पन्न ध्वनि नष्ट नहीं होने से आप जो भी कहेंगे वह हमेशा अंतरिक्ष में रहेगी। आप चाहे गाली दें या आशीर्वाद दें अथवा आप मंत्र जप करें, आप जैसी ध्वनि उत्पन्न करेंगे वैसी ऊर्जा से उसका संबंध बनेगा और वैसी ऊर्जा आपकी तरफ खींची चली जाएगी, आपकी तरफ आकर्षित होगी, आपको प्रभावित करेगी। आप नकारात्मक ऊर्जा खींचेंगे तो आप का नुकसान भी हो सकता है। जब आप मंत्र जप करते हैं और रोज एक ही समय पर कुछ देर मंत्र जप करते हैं तो आप द्वारा उत्पन्न नार ध्वनि वातावरण में भी निकलती है और आपके आंतरिक अवयवों की ओर भी। भले आप मानसिक जप करें किंतु ध्वनि और नार की भी उत्पन्न होता है। याद कीजिए ओम की ध्वनि आप करते हैं मुंह बंद करके तो पूरा शरीर झंकृत हो जाता है, यह कंपन वातावरण में भी जाता है। इसी तरह जब मंत्र वातावरण में जाता है तो जैसी उसकी ऊर्जा प्रकृति होती है वैसी ऊर्जा से उसका संबंध बनता है। धीरे धीरे यह चेन यानी कि साइकिल एक दूसरे से जुड़ा होना पड़ता जाता है। लगातार एक ही समय जब करने से बने चेन से वातावरण की संबंधित ऊर्जा जुड़कर आपकी ओर आकर्षित होती है और फिर वह आपसे जुड़ जाती है, आप में समाने लगती है और आपको प्रभावित करने लगती है। देवी देवता मनुष्य नहीं, न उनका भौतिक शरीर होता है, वह ऊर्जा रूप में ही प्रकृति में होती है। उनका ऊर्जा रूप आपकी ध्वनि या नाद से आपसे जुड़ता है और आप तक पहुंचता है। यही मंत्र के लाभ का सूत्र है, देवता देवी सिद्धि का सूत्र है, आप में वह आते हैं। यही हाल नकारात्मक अथवा ऋणात्मक शक्तियों का भी होता है, उन्हें भी शब्दों से ही बुलाया जाता है और वह शब्दों के माध्यम से ही जुड़ते हैं। आप किसी की पूजा मत कीजिए, लगातार एक ही समय रोज महीना दो महीना मात्र कुछ निश्चित समय पर गाली दीजिए, दो तीन महीने में आप में नकारात्मकता भर जाएगी और उस गाली के प्रतिथि के अनुरूप आपका व्यक्तित्व अलग होने लगेगा, आपकी औरा या आभा मंडल नकारात्मक होने लगेगी। कारण कि आप जिन वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा जुड़ने लगेगी। इसीलिए बौद्धिक लोग कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। अतः इंसान की सबसे बड़ी शक्ति शब्दों को सोच समझ कर बोलिए, उनका सही उपयोग कीजिए। यह केवल बाहर नहीं और चेतन को भी प्रभावित करते हैं, जिसका प्रभाव केवल इसी जीवन में नहीं जन्मों जन्मों तक पड़ता है, यह वैज्ञानिक प्रमाणित सत्य है। हम चेतावनी देना चाहेंगे कि यह वीडियो में बताई गई चीजें वास्तविक सत्य है और इसे सुनकर खेल खेल में परीक्षण का प्रयास न करें। आप यदि ओम आदि का उच्चारण तो कर सकते हैं किंतु अन्य मंत्र आदि में जब तक आपकी आवश्यकता ऊर्जा संरचना शारीरिक चक्रों की स्थिति अथवा गुरु अनुमति न हो आप किसी भी महाविद्या अथवा भैरव आदि के मंत्र का प्रयोग न करें। आपको जरूरत न हो तो ऊर्जा असंतुलित हो सकती है अथवा उच्चारण या ध्वनि नाद में दोष हुआ तो भी ऊर्जा असंतुलन उत्पन्न होगा और आपके चक्रों पर इसका प्रभाव होगा। इससे आप अव्यवस्थित हो सकते हैं, कोई दोष उत्पन्न हो सकता है, कुछ घट बढ़ सकता है, शारीरिक रासायनिक मानसिक क्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं और आपका अहित भी हो सकता है, जिसे सुधारना बेहद कठिन हो सकता है। सावर मंत्र के लिए आप स्वतंत्र हैं, यद्यपि इनके लिए गुरु अनुमति लेना अच्छा रहेगा। इस तरह से जो भी बोले
सही बोले, अच्छा बोले, जो मंत्र चुने आपके लिए हितकर हो। हर शब्द में शक्ति होती है और मात्र एक शब्द लगातार चिंतन मनन और उच्चारण से आपका पूरा जीवन बदल करके रख सकता है। हमने वीडियो को वीडियो में वैज्ञानिक रूप से समझाने का प्रयत्न किया। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पहला प्रश्न, मुझे लगता है कि कोई अपना नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूं, क्या मेरे लिए आशा की कोई किरण संभव है? पहली बात, अकेला होना मनुष्य का स्वभाव है, अकेला होना मनुष्य की नियति है, और जब तक अकेले होने को स्वीकार न करोगे तब तक बेचैनी रहेगी। लाख उपाय करो कि अकेलापन मिट जाए, नहीं मिटेगा, क्योंकि अकेलापन तुम्हारे भीतर की आंतरिक अवस्था है, तुम्हारा स्वभाव है। ऊपर ऊपर होता निकाल के अलग कर देते, अलग किया ही नहीं जा सकता। अगर तुम्हारा अकेलापन तुमसे अलग हो जाए, उसी दिन तुम्हारी आत्मा खो जाएगी। आत्मा का होने का ढंग ही अकेला होना है, और जब तक तुम अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा करोगे तब तक हार और पराजय ही हाथ लगेगी, क्योंकि स्वभाव का अर्थ है जो न मिटाया जा सके। कोई उपाय नहीं, मित्र बनाओ, परिवार बसाओ, बच्चे हो, पति पत्नी हो, समाज हो, सब थोड़ी देर को धोखा भला दे जाए कि तुम अकेले नहीं हो, पर अकेला होना मिटता नहीं। जब भी थोड़ी आंख भीतर करोगे पाओगे, अरे परिवार कहां दूर पड़ा रह गया, मित्र परिजन कितना बड़ा फासला है। आंख बंद की कि पाया कि अकेले हो गए। आंख खोल के तुम अपने को भुलाए रहो भ्रमों में, डुबाए रहो हजार काम धंधों में, व्यस्तता को ओढ़े रहो, लेकिन बार बार क्षण भर को, घड़ी भर को तो विश्राम करोगे, क्षण भर को तो घर आओगे, भीतर प्रवेश करोगे, फिर वही एकाकीपन। ग्रस्त का अर्थ ही यही है, वह व्यक्ति जो संबंध बनाकर अपने भीतर के अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा में संलग्न। ग्रस्त की यह परिभाषा है, संन्यस्त की यह परिभाषा है कि जिसने ये जान लिया कि ये मेरा स्वभाव है, मिटाने में व्यर्थ समय न खो, और जिसने अपने एकाकीपन को भोगना शुरू कर दिया रस ले लेके, जो अपने एकाकीपन को दुश्मन की तरह नहीं देखता है, बल्कि एकाकीपन को ही जिसने अपनी शरण बना ली, संसार की धूप से, बेचैनी से बचने के लिए सदा अपने एकाकीपन में चला गया। जब भी थका बाहर भीतर डूब गया, जब भी बाहर उलझाव उपद्रव हुआ तब भीतर डूब गया, जब पाया कि बाहर जीवन गंदा हुआ जाता है, भीतर स्नान कर लिया एकाकीपन में, फिर ताजा हो गया। ध्यान अर्थात एकाकीपन में रमने की कला। एकाकीपन परम सुंदर है। तुमने नाहक के भय पाल रखे, उन भयों के लिए कोई वास्तविक कारण नहीं है, सांयोगिक कारण है। बच्चा पैदा होता है, असहाय होता है। मनुष्य का बच्चा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असहाय है। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, उठे और चल पड़े, जिंदगी की यात्रा शुरू हो गई। जन्म होते से माँ बाप भी मुक्त हो गए, वो भी मुक्त हो गए। आदमी के बच्चे को इतना मुक्त होने में कम से कम 25 वर्ष लग जाते। आदमी का बच्चा बहुत असहाय है, माँ बाप की जरूरत है वर्षों तक। 8-10 साल का भी हो जाएगा तब भी स्वतंत्र नहीं हो पाता,
शिक्षा पानी है तब भी माँ बाप पे निर्भर होगा। तो करीब 25 साल लगते हैं आदमी के बच्चे को उस जगह आने में जहां जानवरों के बच्चे पैदा होते से ही होते। इस असहाय अवस्था के कारण ही परिवार का जन्म हुआ। 25 साल तक बच्चा निर्भर रहता है माँ पर, पिता पर, भाई पर, परिवार पर। ये निर्भर रहने की आदत बन जाती। इस तरह पर निर्भर रहने के कारण, सदा दूसरे के साथ जीने के कारण अकेलेपन की सामर्थ्य खो जाती। फिर तुम अकेले होने में समर्थ भी हो जाते हो, लेकिन पुरानी आदतें पीछा करती, छाया की तरह पीछे लगी रहती। 70 साल के भी हो जाते हो तब भी मुक्त नहीं हो पाते कि अकेले हो सको। मरते दम तक भी आंखें दूसरों को खोजती रहती। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म में तो समझ में आता है, फिर तो आदत की बात है। ध्यान का अर्थ है इन संस्कारों को जो बचपन से पड़ गए, ये दूसरे का सहारा खोजने की जो गलत आदत पड़ गई है, ध्यान का अर्थ है इस आदत के ऊपर उठ जाना और एक नए सूत्रपात को उद्घाटन करना। मैं अकेला हो सकता हूं और मैं अकेला हूं। तुम जितनी चेष्टा करोगे कि कहीं अकेला न रह जाऊं, उतना ही ज्यादा तुम अकेलापन अनुभव करोगे। जिस दिन तुम राजी हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे कि ये तो स्वभाव है, मैं भी कैसा मूढ़ स्वभाव से लड़ने चला, स्वभाव से लड़के कभी कोई जीता हारता है। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे और तुम कहोगे ये तो मेरी नियति है, तो इससे परिचय तो बना लूं, ये कौन है मेरे भीतर जो एकाकी है, जरा इसमें गहरे जाऊं, डुबकी लगाऊं, तलहटी तक खोजूं, ये कौन है जो भीतर अकेला है। और जैसे ही तुम भीतर की यात्रा पर चलोगे, तुम पाओगे कि मैं भी खूब पागल था। जो मैं खोजता था भीड़ में, वो मेरे हृदय में था। जो मैं खोजता था संग में, साथ में, संबंध में, वो असंगता में था। जिसको मैंने दूसरों के सामने झोली फैला के मांगा था, वो मेरे ही भीतर खजाना छिपा था। एकाकीपन परम सुंदर है, इसलिए जैनों ने अपने मोक्ष का नाम रखा कैवल्य। कैवल्य का अर्थ है बस अकेले, बस अकेलापन बचा, शुद्ध अकेलापन बचा। इतना अकेलापन बचा कि दूसरे तो है ही नहीं, हुआ तुम भी नहीं हो, क्योंकि तुम जो अपने को समझते हो तुम हो, ये दूसरों का दान है, ये तुम हो नहीं। किसी ने कहा सुंदर हो बड़े, संभाल के रख ली इस बात को, सुंदर हो गए। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो, संभाल ली, गठरी बांध ली भीतर, इतना बुद्धि। ये भी सब दूसरों का दिया हुआ है। थोड़ी देर को सोचो तो, अगर तुम उस सब को छोड़ दो जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, तुम्हारी प्रतिमा ही बिखर जाएगी। इसमें मित्रों का भी दान है, शत्रुओं का भी दान है, अपनों का भी दान है, परायों का भी दान है। तुम गठरी बांधते चले गए हो और इसलिए तो तुम्हारी जो आत्म प्रतिमा है बड़ी उलझी है, विरोधाभासी है, क्योंकि कितने लोगों से तुमने इकट्ठा कर लिया। ये ऐसे जैसे कि एक कार बनाई जाए और तुम एक एक पुर्जा जगह जगह से इकट्ठा कर लाओ, ऐसे तुम कबाड़ खानों से इकट्ठे कर लाओ सब कल पुर्जे और फिर उसको जोड़ कर तुम कार बना लो, दिखाई पड़ेगी कि बन गई, चलेगी नहीं। यही तुम्हारी प्रतिमा है, कुछ कहीं से तुमने इकट्ठा कर लिया है और इसलिए तो तुम्हारे जीवन में संवाद नहीं। मित्रों ने जो बातें कही थी वो भी भीतर पड़ी है, शत्रुओं ने जो कह दी थी वो भी भीतर पड़ी। किसी ने कह दिया बहुत सुंदर हो, किसी ने कहा कि तुम जैसा गुरु बात भी नहीं देखा, किसी ने कहा कि तुम बड़े दाता हो, बड़े दानी हो, किसी ने कहा कृपण, आखिरी दर्जे के कंजूस, ये सब पड़ा है भीतर। अब तुमको खुद भी समझ में नहीं आता कि तुम हो कौन, तुम्हारी अपनी कोई पहचान सीधी सीधी नहीं, सब उधार। परम एकांत के क्षण में दूसरे तो होते ही नहीं, दूसरों ने तुम्हें जो धारणा दी थी तुम्हारे संबंध में वो भी नहीं होती, तभी तुम्हारा स्वभाव प्रकट होता है। एकांत में ही मंदिर है,
एकांत में ही, परम एकांत में ही आत्म साक्षात्कार है। तो पहली बात तो ये ख्याल रखो, पूछा है घर परिवार में होते हुए भी मुझे लगता है कि कोई अपना नहीं, बिल्कुल ठीक लगता है, शुभ लगता है, सत्य लगता है, मगर चेष्टा इससे विपरीत चल रही होगी। चेष्टा ये चल रही होगी कि किसी तरह ये एकाकीपन मिट जाए, वस्तुतः कोई मेरा हो। बहुत लोग तुम्हें भरोसा भी दिला देंगे हम तुम्हारे, लेकिन वो बस भरोसा है, शांत बना है, तुम्हें संतोष बनाया जा रहा है। जो अपने नहीं है वो तुम्हारे क्या हो सकेंगे, और कोई किसी का हो कैसे सकता है। कितना ही बेटा कहे मां से कि मैं तुम्हारा, कल मां चल बसेगी, बेटा साथ नहीं जाएगा। कितना ही पति कहे कि सदा सर्वदा का तुम्हारा, पत्नी मर जाएगी तो पति साथ नहीं मर जाएगा, कौन किसके साथ जाता है। ये सब बातें हैं, जरूरी हैं, क्योंकि आदमी बड़ा बेचैन, उसे संतोष की शराब चाहिए ताकि वो सोया रहे, उसे ऐसा ख्याल भर बना रहे कि सब अपने। कितना भरा पूरा घर है, लोग कहते हैं सब भरे पूरे घर पड़े रह जाते हैं जब विदा का क्षण आता, कोई अपना नहीं है। ये इतना बड़ा सत्य है कि इससे लड़ना मत, यही तो दुर्दशा है साधारण जन की, जो नहीं हो सकता उसे करने की चेष्टा करता है, जो हो सकता है मात्र निर्णय लेने से जो हो सकता है उसकी चेष्टा नहीं करता। कितनी बार तुम सबको नहीं लगा है कि कितने अकेले हो, मगर फिर तुमने अपने को बुलाने की कोशिश की। क्यों इतने डरे हो अपने से, जो भी तुम भीतर हो उसे जानना ही होगा। सुख दुखत कुछ भी हो, अपने स्वरूप से परिचय बनाना ही होगा, क्योंकि उसी परिचय के आधार पर तुम्हारे जीवन के फूल खिलेंगे। जिनके जीवन के भी फूल खिले वे सब किसी न किसी रूप में एकांत की तलाश में चले गए थे, खिल गए फूल तब लौट आए बाजार में, लेकिन जब फूल खिले नहीं थे, चाहे महावीर चाहे बुद्ध, सब चले गए दूर एकांत में। बाहर का एकांत तो भीतर के एकांत की खोज का ही सहारा है, बाहर का एकांत तो भीतर की एकांत को बनाने के लिए सुविधा जुटा देता है बस, असली एकांत तो भीतर है। लेकिन अगर बाहर भी एकांत हो तो भीतर के एकांत में डूबने में सुविधा मिलती। जरूरी नहीं है कि कोई भाग के जाए, फिर बाजार में भी अकेला हो सकता है। वस्तुतः तुम्हें हर बार लगता है कि अकेले हो, मगर उस अंतर्दृष्टि को तुम पकड़ते नहीं, वो अंतर्दृष्टि तुम्हारा जीवंत सत्य नहीं बन पाती, उल्टे तुम उसे जुटलाते हो। तुम कहते हो कौन कहता मैं अकेला हूं, पत्नी है, बच्चे हैं, घर द्वार है, सब भरा पूरा है, भीतर तो देखो पात्र खाली का खाली पड़ा है। ये प्रवंचनाएं, इन प्रवंचनाओं से जागो। तो मैं तुमसे ये नहीं कहता, मैं तुम्हें कोई तरकीब नहीं बताता कि कैसे तुम्हारा अकेलापन मिट जाए। मैं तुमसे कहता हूं कैसे तुम अकेलेपन को उत्सव बना लो, कैसे तुम्हारा अकेलापन तुम्हारे जीवन की संपदा बन जाए, कैसे तुम्हारा अकेलापन आत्म साक्षात्कार का द्वार बन जाए। छोड़ो बचना, जीवन भर बहुत दौड़े कहां पहुंचे, अब वही हो रहो जो अपने आप होता मालूम पड़ता है। राजी हो जाओ, और राजी भी बेमन से नहीं, थके मन से नहीं, राजी भी विषाद और हार में नहीं, राजी सत्य को समझकर। अकेलेपन से लड़के कभी कोई नहीं जीता है, जीतने वाले अकेलेपन पर सवार हो गए, उन्होंने अकेलेपन का घोड़ा बना लिया, अकेलेपन को रथ बना लिया, उस पर सवार हो गए, और तब अकेलापन कैवल्य तक पहुंचा देता है, उस परम दशा तक जिसको भगवान कहें, परमात्मा कहें, मोक्ष कहें, निर्वाण कहें, उस परम दशा तक पहुंचा देता है। अकेले ही तुम पहुंचोगे। तो मैं जब तुमसे कहता हूं अकेलेपन को स्वीकार कर लो, तो ध्यान रखना
स्वीकार करने का मजा तो तभी होगा जब तुम स्वागत से स्वीकार करोगे। ऐसे बेमन से कर लिया कि ठीक है चलो, नहीं होता तो चलो यही कर लेते तो कुछ भी ना होगा। तब तुम्हारे इस बेमन के पीछे तुम्हारी पुरानी आकांक्षा अभी भी सक्रिय है। तुम कोई ना कोई उपाय खोज के फिर अपने अकेलेपन को भरोगे। ग्रस्त का अर्थ है जो अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश में लगा है। संन्यस्त का अर्थ है जो इस सत्य को अंगीकार किया है कि अकेलापन है, भरा नहीं जा सकता, तो जिएंगे तो हम इसे भोगेंगे, इसका स्वाद लेंगे। अगर है भीतर तो जरूर कुछ कारण होगा, और कारण यही है कि अकेलेपन की सीढ़ी परमात्मा से लगी, उसी पे चढ़ चढ़ के एक एक सोपान तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। जब तक तुम अपने अकेलेपन से बचोगे तब तक तुम संसार में उतरते जाओगे और परमात्मा से दूर होते जाओगे, क्योंकि जितना तुम दूसरों से जुड़ोगे उतने ही अपने से दूर हो जाओगे। और वो जोड़ वास्तविक नहीं है, वो जोड़ सिर्फ जोड़ का धोखा है, जोड़ का आभास है। हम सारी व्यवस्था ऐसी करते हैं कि बंधन वास्तविक मालूम पड़ने लगे, इसलिए तो शादी का इतना शोरगुल मचाया जाता है। बैंड बाजे, घोड़ा, मेहमान, उत्सव, मंत्र, पूजा, हवन, यज्ञ, ये सब उपाय हैं ताकि पुरुष और स्त्री को ये पक्का हो जाए कि ये घटना कुछ ऐसी है कि इसको उल्टाया नहीं जा सकता, कोई बड़ी महान घटना घट रही, ये मनोविज्ञान है। अगर शादी ऐसे ही कर दी जाए तो ज्यादा टिकेगी नहीं, इसलिए तो पश्चिम में तलाक बढ़ता जाता है। शादी का पूरा मनोविज्ञान टूट गया है, उसके आसपास की सारी व्यवस्था उखड़ गई है। तो सच्चाई साफ हो गई, हम दोनों का दिल था साथ होने का तो साथ हो गए, अलग होने का तो अलग हो गए, बंधन कहाँ है? ध्यान रखना, जिन जिन बंधनों को तुमने बंधन माना है वो मान्यता के, मैं नहीं कहता कि संबंधन तोड़ के भाग खड़े हो, जाना कहाँ है भाग कर, लेकिन जानते रहो कि बंधन सब खेल है। पति रहो, पत्नी रहो, जहां पाया है अपने को, जहां खड़े हो वहीं रहो, लेकिन एक बात मन में साफ हो जाए कि सब बंधन व्यस्तता का खेल है। इससे हम अपने को भरते और बुलाते हैं, लेकिन अकेला होना हमारा स्वभाव है। साथ होना संयोग है, अकेला होना स्वभाव है। संसार संयोग है, केवल स्वभाव है। घर परिवार में होते हुए भी मुझे लगता है कोई अपना नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूं। इस शुभ घड़ी का उपयोग कर लो, अकेली हो या अकेले हो, आनंद भाव से छाती से लगा लो इस बात को, सब अशांति मिट जाएगी, सब बेचैनी मिट जाएगी। कौन अपना है, अपेक्षा मिट जाएगी। कोई भी अपना नहीं है, फिर भी लोग जो कुछ कर देते हैं तो अनुग्रह। जिसको तुम अपना मान लेते हो उससे अपेक्षाएं हो जाती, तो उसके कारण तुम दुखी तो होते हो, सुखी कभी नहीं होते। उसके कारण दुख होता है, जहां जहां अपेक्षा टूटती वहां वहां दुख होता है, लेकिन जहां जहां अपेक्षा पूरी होती सुख नहीं होता। तुम कहते हो तो अपना है, इससे क्या, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात हो गई। अकेला जो जीने लगा वो धीरे धीरे अनुभव करेगा सारे संसार के प्रति अनुग्रहित है, कोई यहां अपना नहीं। फिर भी लोग बड़े प्यारे हैं, हाथ में हाथ दे देते हैं, कहते हैं चलो अंधेरे में साथ है। कोई अपना यहां नहीं, फिर भी लोग साहस बनाते, कहते हैं घबराओ मत, हम तो हैं। अनुभव करो कि अगर तुम्हारी अपेक्षा गिर जाए, जो भी थोड़ा बहुत किसी ने कर दिया वो भी ना करता तो क्या करते, कोई जबरदस्ती तो ना थी, कोई मांग और दावा तो ना हो सकता था, कोई कोर्ट कचहरी तो नहीं की जा सकती थी। मैं बिल्कुल अकेली हूं, इस भाव को गहन होने दो, यही तुम्हारा मंत्र हुआ, इसे दोहराओ, गदगद होके दोहराओ कि मैं अकेली हूं। इससे बड़ी स्फुरना होगी,
जिन जिन से दुख मिलता था उन उनसे दुख मिलना बंद हो जाएगा, और जिनसे कभी भी सुख मिलने की कोई आशा न थी उनसे भी सुख मिलने लगेगा। दृष्टि की बात है। लोग चारों तरफ बड़े प्रीतिपूर्ण मालूम आने लगेंगे। एक बार तुम्हारी अपेक्षा गिर जाए तुम देखोगे लोग भले, और जैसे ही तुम्हारी ये बात गहरी बैठ जाए भीतर की अकेलापन स्वभाव है, द्वार खुला, क्योंकि तुम विश्राम की अवस्था में आ जाओगे, लड़ाई बंद हो गई, तुम नदी की धार में बहने लगे, तैरना बंद किया। ये अकेलेपन की लहर परमात्मा तक ले जाती है, ये अनंत सागर तक ले जाती है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, न परमात्मा शक्ति है, परमात्मा तो समग्र के जोड़ का नाम है। ये जो सारा अस्तित्व है इस सारे जोड़ का नाम परमात्मा है। ये सारा अलग अलग खंड खंड तो नहीं, इतना तुम्हें भी समझना आता, सब जुड़ा है, हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी, अगर जुड़ी ना होती तो हम बिखर गए होते, गिर गए होते। चांद तारे जुड़े, सूरज पृथ्वी जुड़ी है, वृक्ष जमीन से जुड़े, हम जमीन से जुड़े, हम हवा से जुड़े, हवा से सारे पशु पक्षी जुड़े, हम सूरज से जुड़े, सूरज से सारे वृक्ष जुड़े, हम सब जुड़े, हम सब एक साथ हैं, हम में से कोई भी अकेला नहीं हो सकता है। अगर जमीन पर एक भी वृक्ष न रह जाए तो आदमी भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वृक्ष पूरे समय तुम जो श्वास से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो उसको पी जाते, और उसको पीने के बाद शुद्ध करके ऑक्सीजन बना के छोड़ देते, उस ऑक्सीजन को तुम पीते हो, वो ऑक्सीजन तुम्हारा जीवन है। अब ये बड़े मजे का साझेदारी चल रही, वृक्ष तुम्हारे लिए हवा तैयार कर देते, तुम वृक्षों के लिए हवा तैयार करते, तो तुम्हारे बिना वृक्ष भी ना जी सकेंगे। अगर सब पशु पक्षी और मनुष्य मर जाएं, सभी वृक्ष मर जाएंगे। यहां सब जुड़ा है, सब संयुक्त है। परमात्मा अगर तुम मेरे हिसाब से समझना चाहो तो संयुक्तता का नाम है। ये जो अंतर संबंध है सब चीजों का, ये जो जुड़ा होना है, सबका इकट्ठा होना है, ये जो समग्रता है, ये जो टोटैलिटी है, इसका नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं। कल आंसू की तरह टपक कर फल ने हल्का कर दिया पेड़ को, बगीचे की मेड़ को जाने क्या हुआ तरक गई, और मेड़ पर बैठी चिड़िया की बाई आंख फड़क गई। सब जुड़ा है। इधर फल गिरा और न मालूम क्या हुआ कि मेड़ तरक गई, और फिर न मालूम क्या हुआ कि वृक्ष पर बैठी चिड़िया की आंख फड़क गई। कल आंसू की तरह टपक कर फल ने हल्का कर दिया पेड़ को, बगीचे की मेड़ को जाने क्या हुआ तरक गई, मेड़ पर बैठी चिड़िया की बाई आंख फड़क गई। इस संयुक्तता का नाम परमात्मा है। जब तुम जीवन की संयुक्तता को देखने लगोगे तो तुम्हारा मंदिर में प्रवेश हो गया। और कोई मंदिर नहीं चाहिए, इस संयुक्तता का बोध चाहिए कि हाँ हम सब जुड़े हैं, संयुक्त हैं। यहां अकेला कोई भी नहीं, अकेला कोई भी नहीं हो सकता। लाख लोग उपाय करते हैं अकेले होने का, लेकिन अकेले नहीं हो सकते, अकेले होने का उपाय ही नहीं। महावीर जंगल चले जाते हैं फिर भी भोजन के लिए गांव आना पड़ता, महावीर जंगल चले जाते हैं फिर सत्य का उदय होता है तो समझाने के लिए लोग खोजने पड़ते, और जंगल में भी अकेले तो नहीं, वृक्ष काम कर रहे हैं, पशु पक्षी काम कर रहे हैं, झरने पानी ला रहे हैं, सूरज रोशनी डाल रहा है, चांद चांदनी ला रहा है, अकेले कहां है, भागोगे कहां। तुम सोच सकते हो कोई आदमी बिल्कुल अकेला जी सकता है एक क्षण भी? यहां अकेलापन हो ही नहीं सकता है, यहां हमारा होना ही संयुक्तता में। इसलिए मैं सन्यासी को नहीं कहता बाबू भागने से क्या होगा, कहां जाओगे, जहां जाओगे वही सब मौजूद है। जंगल में रहोगे रात चांद निकलेगा, और चांद तुम्हें उसी तरह से तरंगित करेगा जैसे कि बाजार में करता था। तुमने कभी ख्याल किया
चांदनी रात तुम्हें कितना आंदोलित करती, उतना ही आंदोलित करती जितना सागर के जल को। सागर में कैसी उतंग लहरें उठने लगती है चांदनी रात, पूरा चांद और सागर बिल्कुल पागल हो उठता, नाच उठता है मस्ती में। और ये भी तुम जान के चकित होगे कि पूर्णिमा की रात जैसे तुम्हारे भीतर प्रेम का भी ज्वार आता है। पूर्णिमा की रात जितनी कविताएं पैदा होती हैं और किसी रात पैदा नहीं होती, और पूर्णिमा के रात जितने लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं उतने लोग किसी और रात को उपलब्ध नहीं होते। बुद्ध के जीवन में तो ये कथा है कि बुद्ध पूर्णिमा को ही पैदा हुए और बुद्ध को पूर्णिमा को ही संबोधि प्राप्त हुई और बुद्ध पूर्णिमा को ही मरे। ऐसा ना भी हुआ हो, क्योंकि इतना तीनों संयोग मिलना जरा कठिन है, हो भी गया हो ना भी हुआ हो, मगर प्रतीक रूप से बात सच है कि जन्म भी बुद्ध का पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान भी पूर्णिमा को हुआ, मृत्यु भी पूर्णिमा को हुई। पूर्णिमा के लिए यह इशारा है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम शायद आकाश में चांद को देखते भी नहीं, तुम्हें कुछ पता भी नहीं, लेकिन ये काम तो जारी, ये तुम्हारे भीतर सतत काम चलता है। सुबह देखते सूरज उगा, पक्षी जाग जाते, रात भर सोए रहते, इधर सूरज जगा उधर पक्षी जगे, रात भर वृक्ष भी सो जाते, इधर सूरज जगा वृक्ष जगे, रात भर तुम भी सो जाते हो, इधर सूरज उठा कि तुम भी उठे। कितना दूर है सूरज, 10 मिनट लगते हैं आने में रोशनी को, और रोशनी की चाल बहुत है, 186,000 मील प्रति सेकंड, काफी दूर है सूरज, मगर सूरज के साथ हमारा जागना जुड़ा है, हमारा जीवन जुड़ा है। वैज्ञानिक कहते हैं इसी तरह दूर दूर के चांद तारों से भी हम जुड़े, यहां सब संयुक्त है, इस संयुक्तता का नाम परमात्मा है। ये जो विराट हमें जन्माता है और फिर हमें अपने में समा लेता है, यही परमात्मा है, जिससे हम आते हैं और जिसमें हम चले जाते हैं वही परमात्मा है। परमात्मा की याद का इतना ही अर्थ होता है कि तरंग होने को भूलो और सागर होने को याद करो। जैसे कोई तरंग अपने को समझ ले कि मैं सागर से अलग हूं तो मुश्किल में पड़ेगी, ऐसे ही जिस दिन हम समझ लेते हैं मैं अलग हूं तो मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए सारे धर्म एक बात कहते हैं, अहंकार छोड़ो। अहंकार का अर्थ होता है अलग होने का भाव, मैं अलग थलग, मैं विशिष्ट, मैं सबसे भिन्न, मैं सबसे ऊपर, मैं सबसे अनूठा, अद्वितीय, बेजोड़, ऐसे जो भाव है यही अधर्म है। जिस दिन तुम्हें लगता है मैं अलग ही कहा, तो कैसी विशिष्टता, कैसा बेजोड़पन, कैसी अद्वितीयता, कौन खास कौन गैर खास, यहां सब एक से ही जुड़े, यहां सब एक ही है, एक ही है, अनेक भ्रांति है, ऐसी प्रतीति का नाम परमात्मा का अनुभव। और इसलिए अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। सब कुछ समा जाता है काल के गाल में, द्वापर की 18 अक्षौणी सेना, मिस्र की सभ्यता, रोम का साम्राज्य, कल का जन्मा हुआ बच्चा, आज का खिला हुआ फूल, रचता है सारता समारता है, सृजन पटु हाथों से, ममता भरे मन से, कल्पनाओं को चीजों में, बीजों को बदलता है वृक्षों में, वृक्षों को बीजों में। ये जो विराट सृजन चल रहा है, ये जो विराट के हाथों में निर्माण चल रहा है, वृक्षों को बीजों में बदलना और बीजों को वृक्षों में बदलना, मृत्यु को जीवन में बदलना, जीवन को मृत्यु में बदलना, आंख का खुलना और आंख का बंद होना, ये जो विराट उपक्रम चल रहा है खुलने और बंद होने का, ये जो सृष्टि और प्रलय का रास चल रहा है, इस रास की समस्तता का नाम परमात्मा है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा परमात्मा की कोई मूर्ति मत बनाना, क्योंकि मूर्ति बड़ी छोटी होगी, समस्तता की खबर न ला सकेगी। इस
इसलिए हर मूर्ति झूठ होगी और हर मूर्ति तुम्हें परमात्मा के संबंध में भ्रांत धारणा देगी। ज्यादा अच्छा यही होगा उसको सब जगह देखना, चारों ओर देखना, कण से लेकर विराट तक उसी को देखना, इस सारे अस्तित्व को, ब्रह्मांड को उसका मंदिर समझना। मंदिर मस्जिद के बाहर आओ, गुरुद्वारे गिरजे के बाहर आओ, परमात्मा का मंदिर सब तरफ मौजूद है। वृक्षों में उसे देखो, पहाड़ों में देखो, झरनों में, सागरों में उसे देखो, लोगों की आंखों में उसे देखो, पक्षियों की चहचहाट में उसे सुनो, वृक्षों में खिलते फूलों में उसको पहचानो, तो ही तुम पहचान पाओगे, तो ही तुम समझ पाओगे कि परमात्मा क्या है। परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं, परमात्मा अपने निरअहंकार की दशा है और मैं सबके साथ जुड़ा और एक हूं और सब संयुक्त है और यहाँ कोई शत्रु नहीं, सभी मित्र हैं, ये परिवार है, अस्तित्व परिवार है, इसकी प्रतीति का नाम परमात्मा है। इस जगत में बेही धन्यभागी जिन्हें अंतर ध्यान की याद आने लगे, जिन्हें एक बात बार बार याद आने लगे, दिन के 24 घंटों में बार बार याद आने लगे, भीतर जाना है, और जो जब मौका मिल जाए तब भीतर सरक जाए। एक जैन फकीर को निमंत्रित किया था कुछ मित्रों ने भोजन के लिए, 7 मंजिल मकान, जापान की कहानी है। अचानक भूकंप आ गया, जापान में भूकंप बहुत आते भी, भागे लोग, गृहपति भी भागा, 7वीं मंजिल पर कौन रुकेगा जब भूकंप आया। सीढ़ियों पर भीड़ हो गई, बहुत मेहमान इकट्ठे थे, कोई 25 मेहमान थे, गृहपति द्वार पर ही अटका है, तभी उसे ख्याल आया कि प्रमुख मेहमान का क्या हुआ, उस जैन फकीर का क्या हुआ। लौट कर देखा, वह फकीर तो अपनी कुर्सी पर पालथी मार के बैठ गया है, आंखें बंद, जैसे बुद्ध की प्रतिमा हो, संगमरमर की प्रतिमा हो, ऐसा शांत, ऐसा निश्चल। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया गृहपति को, खींचा चलाया जैसे कोई चुंबक से खींचा चला आता, बैठ गया फकीर के पास। भूकंप आया और गया, फकीर ने आंख खोली, जहां से बात टूट गई थी भूकंप के कारण, वहीं से उसने बात शुरू कर दी। गृहपति ने कहा, मुझे अब कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे, ये बीच में इतना बड़ा भूकंप हो गया है, सारे नगर में हाहाकार है, इतना शोरगुल मचा है, इतना बड़ा धक्का लगा है, मुझे कुछ भी याद नहीं हम कहां क्या बात कर रहे थे, अब उस बात को आप शुरू ना करें, अब तो मुझे कुछ और पूछना है, मुझे ये पूछना है कि हम सब भागे, आप क्यों नहीं भागे। फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी, मैं भीतर की तरफ भागा, तुम बाहर की तरफ भागे, जहां जिसकी मंजिल है, जहां जो सोचता है सुरक्षा है, उस तरफ भागा। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा भागना व्यर्थ, क्योंकि भूकंप यहां भी है, भूकंप 6वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 5वीं मंजिल पे भी है, भूकंप 4थी मंजिल पे भी है, भूकंप सब मंजिलों पर है, भाग कहां रहे हो। जो 5वीं मंजिल पे है वो भी भाग रहे हैं, जो 3री मंजिल पे है वो भी भाग रहे हैं, भूकंप सड़कों पे भी है, जो सड़कों पे है वो भी घरों की तरफ भाग रहे हैं, हर एक भाग रहा है, लेकिन तुम भूकंप से भूकंप में ही भाग रहे हो। मैं भी भागा,
मैं भीतर की तरफ भागा और मैं एक ऐसी जगह जानता हूं अपने भीतर, एक ऐसा स्थान जहां कोई भूकंप कभी नहीं पहुंच सकता, जहां कोई कंप ही नहीं पहुंचता, भूकंप की बात छोड़ दो, जहां बाहर का कोई प्रभाव कभी नहीं पहुंचता। मैं उस अछूते कुंवारे लोक की तरफ भागा, मैं भी भागा, ये ना कहूंगा कि नहीं भागा, तुम्हारी समझ में ना आया हो क्योंकि तुम एक ही तरह के भागने को पहचानते हो। मैं हाथ पैर से नहीं भागा, मैंने शरीर का उपयोग नहीं किया क्योंकि इसका उपयोग तो बाहर की तरफ भागना हो तब करना होता है। शरीर तो मैंने शिथिल छोड़ दिया, विश्राम में छोड़ दिया और सरक गया अपने भीतर। वहां बड़ी सुरक्षा है क्योंकि वहां अमृत है, वहां कोई मृत्यु नहीं। चिंता थी मुझे तो सिर्फ एक कि कहीं ऐसा ना हो कि भीतर पहुंचने के पहले मर जाऊं। बस जब भीतर पहुंच गया फिर निश्चिंत हो गया, अब कैसी मौत, अब किसकी मौत। बस चिंता थी तो एक कि ध्यान में मरूं, भूकंप आ गया, मौत तो कभी ना कभी आनी ही है, आती ही है। एक ही ख्याल था कि ध्यान में मरूं, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो। मंजू याद आने लगी है, इस याद को गहराओ, सींचो, संभालो। अनजाने चुपचाप अध खुले वातायन से आती हुई जुनाई साही, तेरी छवि का सुधि सम्मोहन आज बिखर कर सिमट चला है मेरे मन में। झलक उठा है उर का गागर किसी एक अज्ञात ज्वार से, किन सपनों के मदिरभार से, किन किरणों के परस प्यार से, पल भर में यो आज अचानक यह किस रूप परी विरहन के उर की पीड़ा मेरे जी में भी चुपके से तिर आई है। यूं अनजाने गूंज उठा है अंतर जीवन किस फेनिल अरुणाभ राग से, किन फूलों के मधुपराग से पुलकित हो आया है आकुल मधु समीर। जी के इस कानन में भी फूली है सरसों, इस वन का भी कोना कोना है भर उठा अकत छलकन से, प्राणों के कनकन से एक वातायन खुल रहा है, एक पर्दा सरक रहा है। सहयोग करो, साथ दो, जल्दी बहुत कुछ होने को है। किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिया, ठहरे हुए तालाब का पानी हिला दिया, तनहाइयों के बजरे किनारे पर लग गए, ऐसा यकीन हमको किसी ने दिला दिया। यह क्या मजाक है कि बहारों के नाम से पूरा चमन मिठा के नया गुल खिला दिया। मुद्दत गुजर गई थी हमें यूं ही चुप हुए, कल से बहक उठे हैं हमें क्या पिला दिया। मंजू पियो, यह तो मधुशाला है, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूं, शुद्ध शराब पिला रहा हूं, अंगूरों से निचोड़ी हुई नहीं, आत्मा से निचोड़ी हुई। पियो, जी भर के पियो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ और जितने क्षण मिल जाएं, जब मिल जाएं, तब चल पड़ो भीतर की तरफ। भूकंपों की प्रतीक्षा मत करो क्योंकि भूकंपों में भीतर वही पहुंच पाएगा जो भीतर जाता ही रहा है, जाता ही रहा है, जो रोज आता जाता रहा है। वह जैन फकीर अपने भीतर पहुंच सका क्योंकि रास्ता परिचित था, बहुत बार आया गया था। ये मत सोचना कि मौत जब आएगी तब अचानक ध्यान कर लेंगे, ये नहीं होगा। मौत अचानक आएगी, जीवन भर धन की चिंता की थी, मरते वक्त की धन की ही चिंता तुम्हारे सिर पर सवार रहेगी। अगर पद की आकांक्षा की थी तो मरते वक्त भी पद की नसें नहीं चढ़ते रहोगे, कल्पना में।
मृत्यु के क्षण में तुम्हारा सारा जीवन संग्रहित होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता। तुमने ये बात तो सुनी होगी ना कि जब कोई आदमी नदी में डूब के मरता है तो एक क्षण में सारा जीवन उसके सामने दौड़ जाता है। यह बात सभी के संबंध में सच है, नदी में डूब के मरने वालों के संबंध में ही नहीं। मरती घड़ी में तुम्हारा सारा जीवन सिकुड़ के जैसे हजारों हजारों फूल से एक बूंद इत्र निचोड़ते हैं, ऐसे तुम्हारे सारे जीवन के अनुभव से एक बूंद निचोड़ाती। लेकिन अगर तुम्हारा सारा जीवन दुर्गंध का ही था तो बूंद दुर्गंध की होगी। अगर सारा जीवन सपना ही सपना था तो ये बूंद भी सपना होगी। और अगर जीवन में तुमने कुछ सत्य भी कमाया था, कुछ ध्यान भी कमाया था, कुछ प्रेम भी जगाया था, कुछ बांटा भी था, कुछ लुटाया भी था, छीना झपटा ही ना था, कुछ करुणा भी की थी, तो तुम्हारी अंतिम क्षण की जो प्रतीति होगी, सारा जीवन निचोड़ के एक इत्र की बूंद बच जाएगा। उसी इत्र की बूंद पर सवार होकर तुम परमात्मा की यात्रा पर निकलोगे। मंजू शुभ हुआ है, अब इस घड़ी को, इस बलिहारी की घड़ी को झटक मत जाने देना, जोर से पकड़ रखना। अब पकड़ने योग कुछ तुम्हारे पास है, और ध्यान रखना जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास गंवाने को भी कुछ नहीं होता, और जिनके पास कुछ है उनके पास गंवाने को भी कुछ होता है। नंगा नहाए तो निचोड़े क्या, जिनको हम साधारण जन कहते हैं, सांसारिक जन, उनको क्या फिक्र, उनके पास गंवाने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास एक शब्द है योग भ्रष्ट, उसकी तौल का दूसरा शब्द नहीं है भोग भ्रष्ट। तुमने कभी ऐसा शब्द सुना भोग भ्रष्ट? भोग भ्रष्ट होते ही नहीं। समतल जमीन पे चलोगे तो कहीं गिरोगे, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाइयों पे चढ़ोगे तो गिर सकते हो। योग भ्रष्ट होता है। मंजू, एक घड़ी करीब आ रही सरकती हुई जो बड़ी कीमत की होगी। अंतर्ध्यान की याद आनी शुरू हुई है, जल्दी ही अंतर्ध्यान लगेगा, तब चूक मत जाना, क्योंकि बाहर की जन्मों जन्मों की वासनाएं खींचेंगी, बाहर की जन्मों जन्मों की आदतें खींचेंगी, हजार बाधाएं खड़ी होंगी। मन अंतिम उपाय करेगा अपने को बचा लेने का, क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है, और कौन मरना चाहता, मन भी मरना नहीं चाहता है। लेकिन सजग होकर, खूब सजग होकर दो चार कदम और फिर मैं तुमसे कहता हूं, सुबह करीब है, आखिरी तारे ढलने लगे, सूरज उगा अब उगा तब उगा, जरा प्रतीक्षा जरा धैर्य, और वह महत्वपूर्ण घटना घट सकती है जिसकी तलाश में सारे लोग जाने अनजाने भटक रहे। उसे कहो आनंद की खोज, सत्य की खोज, परमात्मा की खोज, मोक्ष की खोज, या जो भी नाम तुम्हें देना पसंद हो। आज इतना है।